बाबर को पीछे छोड़ा, कोहली को पीछे छोड़ा, केएल राहुल को मात दी, एरन फिंच को पिछाड़ा, रन्स का पहाड़ खड़ा कर डाला, दुनिया का नंबर वन प्लेयर बना, 2021 के बाद से ज्यादा बल्कि सबसे ज्यादा 50 का रिकॉर्ड बनाया, विकेट कीपिंग में भी नाम कमाया। इस सब के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या पहचाने ना हो कि हम बात कर रहे हैं शाहीनों की शान, पाकिस्तान की आन, क्रिकेट की जान और बैटिंग का मान, मोहम्मद रिजवान की। जी हाँ, वही रिजवान के जिन्हें कभी T20 क्रिकेट में ये कहकर कि वो एवरेज प्लेयर हैं, खिलाया ही नहीं जाता था, कहा जाता था कि वो तो छक्का ही नहीं मार सकते, T20 क्रिकेट को टेस्ट की तरह खेलते हैं, इसलिए उनका T20 क्रिकेट में क्या काम भला। मगर फिर रिजवान के बैट ने ली अंगड़ाई और इस बल्ले से ऐसा सुनामी निकला जो आज तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मोहम्मद रिजवान ने लास्ट 35 इनिंग्स में 68 की एवरेज से 1787 रन बनाकर सबके मुंह बंद कर दिया, तनकीद करने वालों को तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। मगर सवाल ये है कि आखिर रिजवान बैटिंग में अचानक इतनी बड़ी तब्दीली क्यों और कैसे हो गई? रिजवान की कामयाबी का राज क्या है और रिजवान के इसके अलावा मजीद क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखें। दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में वर्ल्ड नंबर वन बैटर बनने वाले मोहम्मद रिजवान ने साबित कर दिया कि कंसिस्टेंट इज द नेम ऑफ द गेम। हिम्मत और हौसला हो तो दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं। रिजवान ने इंग्लैंड के खिलाफ 68 रन की इनिंग्स खेलकर दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया। क्या बाबर, क्या कोहली और क्या केएल राहुल, सब ही रिजवान को देखते रह गए, क्योंकि रिजवान ने रिकॉर्ड ही ऐसा कमाल बना डाला। मोहम्मद रिजवान नेशनल स्टेडियम में अपनी शानदार निस्फ सेंचुरी के साथ 52 इनिंग्स में 53 2000 रन मुकम्मल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इस लिस्ट में रिजवान से पहले बाबर आजम थे जिन्होंने 52 इनिंग्स ही खेलकर 2000 रन बनाए, जबकि इंडिया के ग्रेट विराट कोहली ने 56, केएल राहुल ने 58 और ऑस्ट्रेलिया के पावर हिटर कैप्टन एरन फिंच ने 62 इनिंग्स में 2000 रन मुकम्मल किए थे। ये वही रिजवान है जिन्हें PSL में कराची किंग्स ने अपनी टीम में तो शामिल किया मगर मैच नहीं खिलाए, क्योंकि लोग कहते थे कि रिजवान स्लो खेलता है, T20 का तो प्लेयर ही नहीं है। फिर रिजवान ने अपनी गेम को ऐसे चेंज कर डाला कि किसी को यकीन तक न आया। मुल्तान सुल्तान से कैप्टन बने तो उन्हें भी PSL का चैंपियन बनवाया। इंटरनेशनल क्रिकेट को देखें तो यहाँ भी रिजवान अनस्टॉपेबल नजर आ रहे हैं। 2021 के बाद मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरीज बना डाली। इस लिस्ट में रिजवान के करीब अगर कोई प्लेयर है तो वो है कप्तान आजम बाबर आजम, जबकि कोहली बहुत पीछे है क्योंकि उनकी 50s की तादाद 8 है। इस तरह अगर विकेट कीपर्स की बात करें तो T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में रिजवान सबसे सक्सेसफुल बैटर हैं। रिजवान ने तमाम विकेट कीपर्स में सबसे ज्यादा 50 प्लस रन बनाए हैं। रिजवान ने अभी तक 17 बार 50 का हिंसा क्रॉस किया है, जबकि इस लिस्ट में उनके करीब इंग्लैंड के जॉस बटलर हैं, जो अभी इंजरी का शिकार हैं। इतने ज्यादा रन बनाने के बाद रिजवान के ICC रैंकिंग में पॉइंट्स गोली की रफ्तार से बढ़े और वो दुनिया के नंबर वन बैटर बन गए। अब तो कोई रिजवान के करीब भी नहीं भटक रहा। रिजवान T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स जीतने वालों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। रिजवान ने 62 मैचेस में 4 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है। T20 क्रिकेट में रिजवान की एवरेज 51.56 है, जबकि कैप्टन बाबर 42.19 के एवरेज के साथ खेल रहे हैं। ये जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारे T20 के हैं। अभी टेस्ट और वनडे बाकी हैं। अगर वो गिनवाना शुरू कर दिए तो ये लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए अब तक के लिए इतना ही। वनडे और टेस्ट क्रिकेट में रिजवान के रिकॉर्ड्स पर फिर कभी बात करेंगे, मगर जो भी है, रिजवान ने T20 क्रिकेट में इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि अब तो उन पर तनकीद करने वाले भी मुंह छुपाए फिरते हैं, क्योंकि रिजवान भी कहते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि वो ग्राउंड में अपना 100% दें, बाकी काम वो अल्लाह पर छोड़ देते हैं और यही उनकी कामयाबी का राज है। दोस्तों, आपकी रिजवान के बारे में क्या राय है? क्या वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को चैंपियन बनवा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर ये वीडियो देखने वाले हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। और हाँ, वीडियो को भी लाइक और शेयर करना मत भूलें।